ऑफ फ्रांस हम उच्च इंडियन या फिर वाइजर ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट तक आ गया हूँ, फिर अपने भाभरा आया हूँ, अपने चंद्रशेखर आज़ाद नगर आया हूँ, फिर वहाँ से अब कट्टीवाड़ा गाँव है जहाँ पर पिछले वर्ष बिरसा मुंडा जी की स्थापना हुई थी, मतलब उनकी मूर्ति की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर कट्टीवाड़ा बहुत ही घना जंगल है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। और यहाँ पर वाटरफॉल भी है, पर मेरे को अभी लगता है कि वाटरफॉल नहीं होगा क्योंकि पानी बहुत कम बरसा है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, अभी हम रोड पर है तो मेरे को लगा कि यहाँ से छोटी पोल उधर आगे जाता है और यहाँ से भी कट्टीवाड़ा शायद 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से अब चलते हैं। दोस्तों हम छोटी पोल से और ये है कट्टीवाड़ा का रोड, और यहाँ पर मुझे पहाड़ों के बीच में कुछ अलग सा पहाड़ दिखा जो आपको ऊपर जाके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस गांव का नाम क्या है? मंगल कदवाल गांव है। और ये पहाड़ का नाम क्या बोलते हैं इसको? इसको हमारी आदिवासी लैंग्वेज में बोलते हैं आधा सियोल। आधा सियोल कहते हैं इस पहाड़ को, जो अलग ही आकृति है जिसका आपको हम ऊपर जाके दिखाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम नीचे से ऊपर तक चढ़ गए हैं और चढ़ाई बाकी है, देखने का बहुत ही इंटरेस्ट है क्योंकि अलग से पहाड़ है। और आप ये पहाड़ जो देख रहे हो ये कट्टीवाड़ा के इलाके में ही आ गए हम, शायद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर और है। और ये मेरा फ्रेंड मंगल सिंह, ये कौन से वीडियो में पहले आया था? आपका क्वेश्चन ये है, कौन से वीडियो में पहले आया था? अब इसको अच्छी तरह देख लो, इसकी हेल्प से मैं इस कट्टीवाड़ा गाँव में जा रहा हूँ। तो चलिए अभी और ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ तो आप देख लीजिए, यह है पत्थरों का पहाड़। और आप इस पहाड़ को देख लीजिए जो आपको मतलब पौधों के साथ पेड़ के साथ दिख रहा है, और यहाँ पर पत्थरों से, और ये पत्थर भुरभुरे पत्थर है जो अभी खिसलन नहीं हो रही है। और आप एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिए, अभी थोड़ी दिन बाद आइए, ताकि यहाँ पर मैंने सुना इस भाई ने कहा है कि झरना भी है, वो शायद झरना भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। दोस्तों आपको बैक कैमरे से पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज ऊपर अभी चढ़ते हैं, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगी क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो अपने निमाड़ में भी नहीं ऐसी चीज़ दिखेगी यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और अभी अपन यहाँ से मैं उतरता हूँ नीचे, फिर कट्टीवाड़ा चलते हैं, बिरसा मुंडा जी के दर्शन करते हैं और वहाँ के लोकेशन देखते हैं। कट्टीवाड़ा में आ गए, कट्टीवाड़ा के गांव के बाहर आ गए, और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर, मतलब
अपनी भाषा में कालिका माता मंदिर, और यहाँ की लैंग्वेज में डुंगरी माता मंदिर के नाम से बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो ऊपर है कट्टीवाड़ा में हम आ गए हैं। तो अभी ऊपर अपन मंदिर पर जाते हैं, फिर यहाँ से उस साइड, मतलब अभी तो अपन इस साइड आए हैं, उस साइड बिरसा मुंडा जी की जो स्थापना हुई है उस साइड जाएंगे, तभी माता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये कालिका माता है ऊपर। अच्छा, डुंगरी माता मतलब यहाँ के, मतलब डुंगरी माता के नाम से जाना जाता है। कोई बीमार हो वो सुधरते हैं। अच्छा। और कोई पानी नहीं गिरता है तो भी हम मानता रखते हैं, तो मानता करते हैं। तो कितने वर्ष मतलब ये माता जी यहाँ पर आए थे? वो तो बहुत राजा के पीछे पैदा पड़ी। तो यहाँ पर मतलब माता जी के नाम से मेला वेला भी लगता होगा? हाँ, मेला लगता है। कब लगता है? ये सोलह श्राद्ध में। अच्छा, आखिरी दिन। और आपका नाम क्या है? नाना। धन्यवाद। माता जी डुंगरी माता मंदिर यहाँ पर है जो पहाड़ी में आप देख रहे हो, कट्टीवाड़ा जंगल के बीचों बीच बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो आपने नीचे मैंने आपको बताया और दादाजी ने भी बताया। तो दोस्तों ये इनकी मतलब कुल देवी भी कहलाती है ना, कुल देवी कहलाती है यहाँ पर। यह मतलब यहाँ पर पूजा करने आते हैं, मतलब जो भी मन्नत रहती है वो पूरी करने आते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर बहुत ही अच्छी आकृति बनी गई, यहाँ पर शनिदेव की मूर्ति रखी गई, और यहाँ पर आप बड़े पत्थर देख रहे हो, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ से दर्शन कर लिए और यहाँ पर पंडित जी नहीं मिले, इसके कारण आपको यहाँ की हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं पाए। तो दोस्तों आप ज़रूर यहाँ पर आइए। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं और अब उस साइड जाएंगे जहाँ पर बिरसा मुंडा की स्थापना हुई थी, और उस साइड झरना भी है। बिरसा मुंडा जो पिछले साल स्थापना हुई थी यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये, और उस साइड से हम माता जी के मंदिर से आए हैं, और इस साइड है जो वाटरफॉल है, इस साइड है। तो दोस्तों आपको हम यहाँ से अब दिखा देते जो पिछले साल स्थापना यहीं पे हुई थी। दोस्तों इस रास्ते पे है वाटरफॉल, और इधर पीछे आम का बगीचा, और इधर बहुत ही घना मतलब खेत टाइप बना हुआ है, और यह पहाड़ देख रहे हो। तो ये पहाड़ों के बीच में यहाँ पर कट्टीवाड़ा है नीचे, मतलब पहाड़ों के बीच में कहा जाता है कट्टीवाड़ा, मतलब यहाँ पर है। तो दोस्तों ये है कट्टीवाड़ा का जंगल जो आप देख रहे हो, पहाड़ पर तो चढ़ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, ड्रोन रहता तो जा सकते थे। दोस्तों ये था, और अभी अपन चलते हैं वहाँ पर देखते हैं, मेरे को लगता नहीं कि वहाँ पर पानी होगा, पर जाके देखते हैं। तो दोस्तों आपने वहाँ पर अपने बिरसा मुंडा जी की मूर्ति देखी, चौकड़ी पे मतलब चौक में है, और वहाँ से फिर अपन ऊपर गए थे। तो पहले हम माता जी के दर्शन कराए, फिर हमने वहाँ पर अपनी मूर्ति के दर्शन करे, और फिर हम यहाँ पर कट्टीवाड़ा वाटरफॉल जो बैक साइड पे है यहाँ पर अभी पानी नहीं है, अभी पानी गिर ही रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत बेहतरीन झरना है उधर आगे जंगल में, और हमारा टाइम हो रहा है तो हम उधर जंगल में जा रहे हैं। तो ये है कट्टीवाड़ा जंगल जो आप देख रहे हो, पूरी तरह मतलब नीचे है, पहाड़ों के बीच में है। तो दोस्तों
हमारा मतलब यहाँ तक आप हम आए, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर हमको कमेंट्स करके बताना, और आप भी ज़रूर आए पर थोड़े दिन बाद आना, क्योंकि यहाँ पर झरना रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो टाटा बाय बाय, धन्यवाद।